जापान में इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली तूफान शानशान ने दस्तक दे दी है। शानशान दक्षिण पश्चिमी आइलैंड क्यूशू पर गुरुवार सुबह 8 बजे पहुंचा। तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश होने के साथ 252 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तूफान से कई इलाकों में काफी नुकसान भी पहुंचा है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह बताया कि शानशान, जिसे जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से जाना जाता है, उसकी वजह से 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी गई है। वहीं गामागोरी में लैंडस्लाइड की वजह से एक घर दब गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई।